बच्चों, आप सभी जान रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो किसी भी राष्ट्र की संपत्ति हम कह सकते हैं। वो राष्ट्र की संपत्ति होती है, धन कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वो क्यों? क्योंकि देश में मिलने वाले जितने भी संसाधन होते हैं, उन्हें संसाधन का रूप कौन प्रदान करता है? वहाँ रहने वाली जनसंख्या या मनुष्य। जनसंख्या मतलब जन की संख्या या मानव का समूह। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बिना इसके हम किसी भी राष्ट्र के, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनैतिक, किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे लिए जनसंख्या का अध्ययन जो है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है, या मैं ये कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी भी देश के बारे में, देश के विषय में अध्ययन करने से पहले उस राष्ट्र की जनसंख्या का भी भली भांति अवलोकन कर लें या उसका अध्ययन कर लें। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत की जनसंख्या, वितरण और घनत्व, और जनसंख्या की जितनी भी विशेषताएं हैं, जनांकी की विशेषताएं, उन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं जनसंख्या के वितरण और घनत्व के विषय में। बच्चों, अगर जनसंख्या की बात हो रही है, इस मानचित्र में आपको जनसंख्या का जो फैलाव है वो दिखाई दे रहा है, वो आपको सभी जगह असमान रूप से दिख रहा है। ये आपका भारत का मानचित्र आप सामने देख पा रहे हैं, और हमको हर जगह जनसंख्या का वितरण जो है वो अलग अलग नज़र आ रहा है। तो जब हम इस समूह की बात कर रहे हैं, इस संख्या की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि जनसंख्या से संबंधित ये जो आंकड़े हैं वो कहाँ से एकत्र किए जाते हैं? तो बाकी सभी देशों की भांति विश्व में अन्य जो देश हैं उन सभी की तरह जनसंख्या के आंकड़े भारत में भी जनगणना के माध्यम से जो है वो एकत्र किए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सन 1872 में जो है वो प्रथम जनगणना की गई थी, लेकिन इसे हम संपूर्ण जनगणना नहीं कह सकते, क्योंकि तब उस समय पर जब पहली जनगणना हुई, प्रथम जनगणना हुई, तब कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था, या जनगणना से संबंधित जनगणना में जो प्रोफार्मा तैयार किया गया था उसमें जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े एकत्र करने थे उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छूट गए थे। तो हम इसे संपूर्ण जनगणना नहीं मान सकते। तो आगे बात यह होती है कि फिर संपूर्ण जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो हम प्रथम संपूर्ण जनगणना की बात करेंगे, तो सन 1881 से भारत में प्रथम, और भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना की शुरुआत जो है वो हुई है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1872। और जब आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम संपूर्ण जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1881। तो 1881 में जो जनगणना की गई उसमें भारत के संपूर्ण क्षेत्र को, हर राज्य को शामिल किया गया, और नए नए कंटेंट जो हैं उसमें जोड़े गए। और 1881 से लेकर फिर आज तक हर 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना जो है वो की जाती है, और अब तक 15 जनगणना जो है वो पूरी हो चुकी है, और 15वीं जनगणना जो थी वो आपकी वर्ष 2011 की थी। 16वीं जनगणना को वर्ष 2021 में होना था, लेकिन हम सभी को पता है कि वो जो 2 वर्ष हम कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, इस कारण ये थोड़ा डिले हो गया है, और थोड़ा इसका जो समय है वो आगे बढ़ गया है। अभी ये जनगणना जो है वर्ष 2021 वाली वो पूरी नहीं हुई है, इसका प्रोसेस नहीं हुआ है। तो अब तक कितनी जनगणना हुई है हमारे देश में, 15 जनगणना हो चुकी है।
ये तो हो गई कि हम जनसंख्या से संबंधित आंकड़े कहाँ से लेके आते हैं, तो जनगणना से हमें जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं वो मिलते हैं। अब हमने अभी कहा था कि आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या और जनसंख्या के वितरण और घनत्व के विषय में, तो पहले तो हम जान लेते हैं अपने भारत देश के बारे में, है ना, क्योंकि जिस देश के की जनसंख्या का हमें अध्ययन करना है तो पहले उस देश की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने हमारे भारत का जो मैप है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें हमारे भारत देश की, तो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और यदि हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। और आप इस ग्लोब के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, अब आगे आप इस भारत के प्राकृतिक नक्शे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारे भारत में उच्चावच संबंधी जो है वो बहुत विषमताएं देखने को मिलती हैं। ऊपर का यदि हम उत्तरी छोर देखें, महान हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो फैली हुई है पश्चिम से पूर्व तक की, और हम अपने भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं, तो ये भी हमको पता है कि ये उसका जो दक्षिणी छोर है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसमें जितने भी इसके भारत के दक्षिणी राज्य हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। हम पश्चिम की तरफ राजस्थान के सुदूर पश्चिम में देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका विशाल थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, और बीच का जो हिस्सा है वो आपका प्रायद्वीपी पठार का है। तो हमने क्या देखा कि हमारे भारत में उच्चावच से संबंधित इतनी विषमताएं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं तटीय क्षेत्र है, कहीं मरुस्थल है, कहीं दलदली वन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो हम इन बातों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व की जब बात करेंगे तो वो उसी इसी बात पर निर्भर होता है कि जहाँ पर भी हमको जलवायु संबंधी जो विशेषताएं हैं या हम जो उच्चावच की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती हैं। अब हम पूरे क्षेत्रफल की यदि बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे भारत का कौन सा स्थान है, तो वो 7वां बड़ा देश है, लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है, 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गई बात कुछ जानकारी जो है वो हमारे भारत की। अब हम ये देखते हैं इसमें थोड़ी सी कि हमने देखा यहाँ पर पर्वत पठार और ऊपर पर्वती हिस्से और नीचे की तरफ जो मध्य का जो हिस्सा है पठारी हिस्सा है, इन दोनों से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनके द्वारा इनके बीच में विशाल मैदान का भी निर्माण किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कुछ फैक्ट्स की भारत की जनसंख्या के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो अभी हमने कहा कि ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, और हम ये कहें कि विश्व की लगभग विश्व के पूरे क्षेत्रफल का हम देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.4% है। अब यदि हम इसमें बात करते हैं कि क्षेत्रफल तो 2.4% है, लेकिन इस 2.4% क्षेत्रफल में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा नंबर का देश है हमारा भारत, तो विश्व का दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब में भारत,
और यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है, या हम एग्जैक्ट आंकड़ों पे जाना चाहें तो 121.08 करोड़ है भारत की जनसंख्या। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपके चाइना का है, और ये जो डेटा हम बता रहे हैं वो वर्ष 2011 जनगणना के आंकड़े हैं। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल के हिसाब से तो सातवां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब में हमने देखा कि इसका दूसरा नंबर है। अब एक और फैक्ट है इसमें, हम थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लें। आप यहाँ पर विश्व के मानचित्र पर देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये तीनों महाद्वीप की जनसंख्या को यदि हम मिला दें तो इससे भी अधिक जनसंख्या जो है वो भारत की है। मतलब तीन महाद्वीपों की जनसंख्या को मिलाकर उसके बराबर और उससे थोड़ा अधिक जनसंख्या जो है वो हमारे अकेले भारत देश की है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब में जितना जो क्षेत्रफल है विश्व का उसका जितना प्रतिशत है, अभी जो हमने बात की थी 2.4%, और जनसंख्या के हिसाब में हमने देखा कि दूसरा नंबर है। यदि हम इसको और एक नज़रिए से हमने बात किया कि भाई उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों महाद्वीप की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो इससे भी अधिक जनसंख्या जो है वो भारत की है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत देश के जो संसाधन हैं तो इस संसाधन पर हमारे जो देश की जनसंख्या का कितना दबाव पड़ रहा है ना। मतलब नेचुरली है कि जो संसाधन है वो संसाधन तभी बन पाते हैं जब वो मनुष्य के उपयोग में आते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। तो भाई उन संसाधन तो जो हैं वो सीमित हैं, वो बढ़ाए नहीं जा सकते, लेकिन जनसंख्या जब लगातार बढ़ रही है तो उसका दबाव जो है, उसका प्रेशर जो है वो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या पर पड़ता है। और यदि हम भारत देश की जनसंख्या की बात करें तो उस जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव जो है वो हमारे भारत देश पर पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक सोचनीय स्थिति है, सोचने वाली बात है, या विचारणीय विषय वस्तु ये हमारे लिए है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या का वितरण है ना, जनसंख्या का वितरण क्या है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या का फैलाव है वो जनसंख्या वितरण कहलाता है। चाहे वो किसी राष्ट्र की हम बात कर रहे हों या हम किसी भी महाद्वीप की बात कर रहे हों, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब अभी हम ये देख लेते हैं कि इसको हम समझ लेते हैं कि जनसंख्या का वितरण हमारे भारत देश में कैसा है। ये हमारा भारत देश है और हमने अभी कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर लगभग 121.08 करोड़ जनसंख्या जो है वो निवास करती है। मतलब इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में इस 121.08 करोड़ जनसंख्या को यहाँ पर रहना है। लेकिन हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है भारत की, उसको उसका जो वितरण है वो एकदम असमान हमको देखने को मिलता है। कहीं पर अधिक जनसंख्या रह रही है, कहीं पर बहुत कम जनसंख्या रह रही है। हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या में इसका पहला स्थान है,
लगभग 19.9 करोड़ जनसंख्या जो है वो मतलब 121 करोड़ में लगभग 19.9 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन वहीं पर हम देखें सबसे कम जनसंख्या जो है तो यहाँ पर आप देखिए सिक्किम का स्थान है जहाँ पर लगभग 6 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो ये असमान वितरण क्यों है इस पे हम बात करते हैं। अब हम भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें जनसंख्या के वितरण पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं अभी हमने बात भी की कि यूपी में जो है उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे हैं मैदानी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश स्थित है यहाँ पर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो 19.49 करोड़ निवास करती है जो कि पूरे भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 16.49% है। अब यूपी के बाद आप इधर आ जाइए पश्चिमी छोर पर तो यहाँ पर हम देखते हैं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर भारत की लगभग 9.29% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसके बाद बिहार का नंबर है और यहाँ पर भारत की जनसंख्या का लगभग 8.58% जनसंख्या निवास करती है। फिर आ जाता है आपका नीचे यहाँ पर देख लीजिए पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में लगभग 7.55% जनसंख्या। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में हम देख रहे हैं लगभग 7.00% है जनसंख्या का। फिर हम मध्य प्रदेश में आ जाते हैं जो भारत के केंद्र में स्थित है यहाँ पर लगभग 6.00% जनसंख्या। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5% जनसंख्या। हम राजस्थान की बात करेंगे तो लगभग 5.68% जनसंख्या। यदि हम कर्नाटक को देख लेते हैं फिर हम पश्चिमी और दक्षिणी छोर पर आ जाते हैं तो यहाँ पर 5.05% जनसंख्या। और सुदूर पश्चिम में आ जा रहे हैं हम तो गुजरात में आपको 4.99% जनसंख्या देखने को मिलती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भारत के ये जो 10 राज्य हैं यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 76% जो है वो निवास करता है और बाकी 25% जो है वो अन्य सभी राज्यों में निवास करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई कुछ तो फैक्टर्स हैं कुछ कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं अदरवाइज सभी राज्यों में हमको एक समान जनसंख्या मिलती। तो वो कौन से कारण हैं या कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं आइए हम बात करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स या कारक हैं जो भारत में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि भारत की जनसंख्या के विषय में पढ़ने से पहले हम भारत देश के बारे में पढ़ लें और हमने उसकी स्थिति और विस्तार और वहाँ पर उच्चावच के विषय में थोड़ी सी बात की थी या थोड़ी चर्चा की थी। तो हम पहला फैक्टर या पहला कारक ही देख रहे हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है वो है उच्चावच। बच्चों उच्चावच जो है वो किसी भी देश किसी भी राष्ट्र के जनसंख्या के वितरण को बहुत हद तक जो है वो प्रभावित करता है। हाँ मतलब कि हम ये देखेंगे कि कोई ऊंचा नीचा भूभाग है वहाँ पर जनसंख्या असमतल भूभाग है वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी और इसके विपरीत जहाँ पर समतल भूभाग हैं वहाँ पर हमको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। कारण क्या है क्योंकि जो समतल भूभाग होता है वहाँ पर आपको चूँकि हमारा भारत देश भी क्या है कृषि प्रधान देश है तो वहाँ पर
कृषि करने के लिए समतल भूमि आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि यातायात के जो साधन हैं, जो परिवहन के साधन हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से विकसित रूप में देखने को मिलते हैं। और वहीं हम कोई ऊंचे ऊंचे पर्वतीय या पठारी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ना तो वहाँ पर यातायात या परिवहन के साधन का भली प्रकार से विकास हो पाता है और ना ही आपको कृषि के लिए किसी भी प्रकार से समतल भूमि देखने को मिल पाएगी। तो लोगों की कोशिश ये होती है कि वो समतल भूभाग पर निवास करें, या हम ये कहें कि वो वहीं पर रहना अधिक पसंद करते हैं अगर कोई दूसरा फैक्टर ज़्यादा प्रभावशील ना हो। तो हम अपने भारत देश की ही बात कर रहे हैं, भारत की जो पर्वतीय श्रेणी है या हम ये कहें जो पर्वतीय भूभाग है वो लगभग 13% क्षेत्र पर फैला हुआ है। लेकिन हम क्या देखेंगे, इस 13% भूभाग पर भारत की लगभग 1 से 2% जनसंख्या ही निवास करती है। लेकिन यदि हम बात करें मैदानी क्षेत्र की तो ये भारत के पूरे भौतिक भूभाग का 23% जो क्षेत्रफल है वो कवर करता है। लेकिन इस 23% क्षेत्रफल पर भारत की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। तो हम यहाँ पर इस असमानता का कारण प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार उच्चावच जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। और हम यहाँ पर ये बात भी देखेंगे कि अभी हमने जो बात की थी कि जो भारत के 10 राज्य हैं जहाँ पर हमने देखा था कि भारत की लगभग 76% या 76% पॉपुलेशन रहती है, निवास करती है, उसमें आपका हमने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश है, बिहार की हमने बात की थी, पश्चिम बंगाल की बात की थी, ऐसे कुछ जो क्षेत्र हैं वो मैदानी क्षेत्र ही हैं या तटीय क्षेत्रों में ही आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है जो कारक प्रभावित करता है जनसंख्या का वितरण को वो है आपका जलवायु। जलवायु जहाँ पर सम जलवायु होगी, मतलब जहाँ पर तापमान ना बहुत अधिक होगा ना बहुत कम होगा, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ठंडी, ना बहुत अधिक आर्द्र क्षेत्र ना बहुत अधिक शुष्क क्षेत्र, सम जलवायु वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर निवास करना अधिक पसंद करते हैं। और विषम जलवायु वाले क्षेत्र में हमको जनसंख्या कम सघन या उनका वितरण जो है, उनका फैलाव जो है वो कम देखने को मिलता है। अब हम अपने भारत देश में ही देख लें तो हमने अभी, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि हमने जो बात की थी कि भाई महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो तटीय क्षेत्र हैं, मतलब या तो वो तटीय क्षेत्र हैं या मैदानी क्षेत्र हैं। मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर मृदा उपजाऊ मिल रही है, कृषि के लिए एक उपयुक्त भूमि मिल पा रही है, परिवहन के साधन जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से विकसित हैं, मतलब हर स्थान से इनकी कनेक्टिविटी है। और हम तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको, मतलब प्रायद्वीपी पठार के ये जो कुछ क्षेत्र पड़ रहे हैं जहाँ पर उपजाऊ काली मिट्टी देखने को मिल रही है ना, और तटीय भागों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में हमको सम जलवायु देखने को मिलती है। तो इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या की बसाहट या उसका जो घनत्व है वो हमको अधिक देखने को मिलता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। इसका नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है आपकी जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता जो है, हमको मालूम है कि जल जो है वो मानव के लिए, या हम ये कहें कि हमारे जीवन की ही अनिवार्यता है जल। हम कहते हैं ना कि भोजन के बिना तो हम कई दिनों तक रह सकते हैं लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो चाहे हमको पीने के लिए हो या हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए हो, हमारे कृषि के लिए, मतलब सिंचाई के लिए हो, हर चीज़ के लिए, हमारे हर क्रियाकलाप के लिए जल जो है वो हमारे जीवन में अनिवार्य है।
तो जहाँ पर भी जल की उपलब्धता होगी, हमें जनसंख्या की जो बसाहट है वो उसके आसपास ही अधिक देखने को मिलेगी। यदि हम प्राचीन समय में भी जाते हैं तो हम देखेंगे कि मानव सभ्यता का विकास और मानव सभ्यता का जो विकास है उसका जुड़ाव नदी घाटियों से एकदम बहुत अधिक वो एक दूसरे से संबंधित हैं। हम देखेंगे कि किसी भी नदी घाटी, चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, मतलब नील नदी सभ्यता की बात करें, तो जितनी भी नदी घाटियां हैं मानव सभ्यता का जो विकास है वो उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो जहां पर भी जल की उपलब्धता होगी वहां पर मानव बसाहट अधिक देखने को मिलेगी, और इसका उदाहरण हम अपने भारत में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र में ही जहाँ पर नदियों और नहरों का पर्याप्त विस्तार है वहाँ पर हमें भारत की सघन जनसंख्या या सघन बसाहट जो है वो देखने को मिलती है बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा। तो जल जो है वो एक अनिवार्य तत्व हम कह सकते हैं जो जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन या यातायात के साधन। जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का या यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास होता है वहाँ पर भी जनसंख्या उसके आसपास अधिक बसी हुई होती है। हमने बात भी की थी कि मनुष्य जो है भाई वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में आ गया है तो एक दूसरे से मिलना जुलना सामाजिक रूप में वो विकास कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है, नगरीकरण हो रहा है या औद्योगिकरण की स्थिति हो रही है। तो इस विकास के लिए भी जब तक परिवहन के साधन अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं होंगे तब तक ये विकास जो है वो संभव नहीं होगा। तो परिवहन के साधन जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितने भी जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं मैदानी क्षेत्र में हो चाहे वो पठारी क्षेत्र में हो, हम यदि महाराष्ट्र की भी बात कर लें या हम गुजरात की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की हम बात कर लें, है ना, उत्तर प्रदेश या हम बिहार की बात कर लें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की बात कर लें, तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जलवायु के साथ साथ यहाँ पर का उच्चावच मिट्टी, है ना, जल की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ पर परिवहन के साधन भी जो हैं, चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें या हम रेल मार्ग की बात करें, वायु मार्ग की बात करें या जल मार्ग की बात करें, सभी जगह से ये बहुत अच्छी तरह से इनकी कनेक्टिविटी है, जुड़ाव है, जिसके कारण यहाँ पर हमको जनसंख्या की बसाहट अधिक देखने को मिलती है। तो ये हो गए परिवहन के साधन। अब हम यहीं पर देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में भी के जो राज्य हैं उस पठारी हिस्से में भी चूँकि जैसे जैसे मनुष्य विकास करता जा रहा है तो यहाँ पर भी परिवहन के साधन जो हैं वो समुचित रूप से विकास कर रहे हैं, जिसके कारण अब यहाँ पर जो पहले जनसंख्या न्यूनतम मिलती थी वो अब यहाँ पर जनसंख्या की बसाहट लगभग बढ़ती जा रही है। एंड दूसरा आपका जो नेक्स्ट फैक्टर प्रभावित करता है वो है खनिज, है ना, खनिजों की उपलब्धता। तो किसी भी प्रकार का जो खनिज संसाधन हम क्या कहेंगे कि वो आकर्षित करता है अपनी तरफ, क्योंकि जहाँ पर खनिज संसाधन उपलब्ध होंगे वहाँ पर नेचुरली है कि खनन कार्य होगा, खनन कार्य के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, मतलब रोजगार मिलेगा लोगों को, और उस संसाधन को एक स्थान से दूसरे स्थान औद्योगिक क्षेत्र तक ले जाने के लिए परिवहन के साधन विकसित होंगे, और परिवहन के साधन के साथ साथ जितनी भी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी वहां पर पूर्ति की जाएंगी उसकी, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या जो है उसकी बसाहट लगातार बढ़ती जाती है जहाँ पर भी खनिज संसाधनों का विदोहन होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं उड़ीसा और झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार की यदि हम बात करें तो पहले इन क्षेत्रों में जनसंख्या की बसाहट हमको कम देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर खनिज संसाधनों
खनिज संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो गया, खनन कार्य प्रारंभ हो गया, तो इसके साथ साथ इन राज्यों की जनसंख्या हम देखेंगे कि लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को वहाँ पर अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ परिवहन के साधन और वो सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट औद्योगिक विकास, है ना, औद्योगीकरण हम कह सकते हैं। तो औद्योगीकरण तो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक चुंबक की तरह जो है वो कार्य करता है, चुंबक की तरफ, चुंबक अपनी तरफ खींचता है। तो जहाँ भी जिन राज्यों में औद्योगीकरण का विकास हुआ है या औद्योगीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमको मालूम है कि जिस प्रकार जहाँ पर खनन कार्य किया जाएगा उसी प्रकार उससे संबंधित या और अन्य संसाधन से संबंधित जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो वहाँ पर नेचुरली है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो लोगों को आय चाहिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन जीने के लिए आय चाहिए, और आय कहाँ से मिलेगा, जब उनके पास रोज़गार होगा। तो औद्योगीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या को चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब जहाँ पर भी औद्योगीकरण होगा वहाँ पर जनसंख्या की सघन बसाहट हमको देखने को मिलेगी। फिर हम अपने भारत में चाहे गुजरात की बात कर लें, या हम महाराष्ट्र की बात कर लें, या हम बिहार की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, ये सारे ऐसे जगह हैं जो औद्योगीकरण के कारण या उद्योगों के विकास होने के कारण जनसंख्या को अपनी तरफ खींचते हैं।